एक बार अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो यकीन आप इसको बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है हम डेली रूटीन के अंदर रमज़ान में शैरी कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमारा दिल करता है कि कुछ डिफरेंट सैरी की जाए जो कि मज़ेदार भी हो और आसान भी हो तो इसी वाले से आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो कि है पूरी पराठे की और साथ होगा बड़ा झटपट सा इजी सा मज़ेदार सा तवा कीमा पूड़ी पराठा जो है ये ना तो पूड़ी है ना ये पराठा ये दोनों का कम्बिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी आसान है और इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है साथ ही जो हमारा तवा तोाकिम है वो भी एक झटपट सी रेसिपी है आप शहरी से पहले उसको इजीली पंद्रह बीस मिनट के अंदर पच्चीस मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं ठीक है तो दोनों रेसिपीज़ बड़ी बेहतरीन है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपने इसी तरीके से इसको ट्राई करना है यकीन आपको बहुत पसंद आएगा तो आइए फौरन से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो पहले डो तैयार करते हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है ये फ़ाइन आटा लिया है ठीक है अगर आप पास फ़ाइन आटा नहीं है आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे और साथ इसमें एक कप जो है वो आपने नीम गर्म दूध शामिल करना है साथ इसके डेढ़ टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी शामिल करनी है अगर पिसी हुई नहीं है तो दानेदार चीनी को पीस लें और एक टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है और तीन से चार टेबल स्पून आप इसके अंदर मेल्टेड घी शामिल कर दें रूम टेम्परेचर वाला और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा आपने अच्छे तरीके से पहले इन चीज़ों को मिक्स करना है मुकम्मल तौर पे अंडे को इस आटे के अंदर मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर आपने क्या करना है आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाना है और डो तैयार कर लेनी है ये देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं उसके बाद ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है तो पानी भी जो है वो इसके अंदर आपने नीम गर्म डालना मतलब के पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा सा नीम गर्म हो वो इसके अंदर शामिल करना है आपने और इस तरीके से एक नरम डो तैयार करनी है डो आपकी नरम होनी चाहिए ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए तो पहले हमने आटा गूंध दिया ताकि इसको रेस्ट दिया जाए फाइन आटा मैंने यूज किया है आप अगर मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा क्योंकि अक्सर जगह पे फाइन आटा नहीं मिलता तो इस तरीके से आपने जो डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट गूंधनी है अभी इसको छोड़ देंगे उतनी देर में हम अपना तवा कीमा तैयार करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आधा कप जो है वो ऑयल लेंगे और इसके अंदर मैंने रफली चॉप किया हुआ एक प्याज लिया था बड़े साइज का वो ऑयल के अंदर डाल दिया और हल्की सी हमने इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है इसका जो है वो कलर लेके आना हमने लाइट गोल्डन सा इसको ब्राउन डार्क नहीं करना इसका कलर जो है वो हल्का रखना है ठीक है और मैं तवे का इस्तेमाल कर रहा हूँ तवा आपके पास नहीं है आप इसको किसी भी कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर बना सकते हैं फिर इसके अंदर जी हमने यहाँ पे तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया हुआ है पेस्ट जो है वो घर का बना हुआ है इसकी रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड है रमजान से पहले आप पेस्ट वगैरह ऐसी चीजों की प्रिपरेशन करके रख लें ठीक है और थोड़ी सी यहाँ पे बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हमने ऐड करना है कीमा तो यहाँ पे मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरे पास आधा किलो है ठीक है आप अगर एक किलो के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी में जो मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो बढ़ा सकते हैं यानी कि प्याज जो है वो आप दो कर लें और अदरक लहसुन का पेस्ट इतना काफ़ी होगा मसाले भी आप थोड़े से बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे जी अब चिकन को जो है हमने प्याजों के साथ जो है मिक्स करना है इनकी बुनाई करनी है चिकन को पहले यहाँ पे ज़रूर भूनते हैं ताकि इसका जो स्मेल है वो इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए ठीक है और साथ इसका कलर है वो भी वाइट हो जाता होता है फिर इसके अंदर अभी हमने इसको गलाने से पहले क्या करना है कि टमाटर शामिल करने हैं तो ये मेरे पास दो टमाटर थे मीडियम साइज के वो इसके अंदर ऐड करके रफली चॉप किए हुए हैं ठीक है बारीक ज़्यादा कर लें जितने आपने करना चाहते हैं वो इसके अंदर शामिल करें और इसको अभी आपने हल्का सा मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसको भी हम लोग ढाँप के रख देंगे जिससे कि टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और जो चिकन है ये भी मुकम्मल तौर पे गल जाएगा तो इस स्टेज के ऊपर इसको ढांपना जरूरी है इससे क्या होगा कि जो टमाटर है वो भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही जो हमारा कीमा है वो भी गल जाएगा क्योंकि कीमे को ज्यादा इतना टाइम लगता नहीं है मैक्सिमम यहाँ पे पाँच से सात मिनट लगेंगे दोनों को दोनों चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी गल जाएंगी फिर इसमें हम लोग बाकी मसाले वगैरह ऐड करके इसकी बुनाई करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको सात से आठ मिनट का टाइम दिया है और टमाटर यहाँ पे हमारे गल चुके हैं देखें और इस दौरान मैंने इसको एक दफ़ा से दोबारा उठा के मिक्स किया था जिससे कि टमाटर और चिकन हमारा यहाँ पे बड़ा बेहतरीन सा एक तो बारीक हो गया हुआ है और साथ ही टमाटर जो है वो गल गए हैं चिकन भी यहाँ पे टेंडर हो गया है ठीक है तो ये एक छोटा सा स्टेप था ये आपने लाजमी देना है फिर इसके अंदर आपने शामिल करना है दही तो यहाँ पर मैं आधा कप दही इस्तेमाल कर रहा हूँ मतलब ये कोई पाँच छः टेबल स्पून बनेंगे और इसमें एक टी स्पून जो है वो नमक शामिल करेंगे साथ इसमें एक टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे कश्मीरी हो तो ज़्यादा बेहतर है कलर बहुत अच्छा आता है और आधा टी स्पून जो है उससे कम आपने हल्दी रखनी है एक टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और एक टेबल स्पून इसके अंदर आपने ऐड करना है गरम मसाला अगर आप स्पाइसी थोड़ा कम खाते हैं ठीक है तो आप इसके अंदर मिर्च जो है वो कम कर सकते हैं और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं एक टीस्पून नमक जो है वो काफ़ी मुनासिब होगा अभी यहाँ पे इन मसालों की जो है वो और दही की हमने भुनाई करनी है दही का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म करना है थोड़ी देर के लिए आठ से दस मिनट के लिए इनकी बुनाई करते जाएंगे तो मसालों का फ्लेवर भी अच्छा निकल आएगा और दही जो है वो भी पक जाएगा अक्सर उकात बुनाई मुकम्मल नहीं होती जिसकी वजह से कीमे का टेस्ट नहीं बनता और ज़्यादा फील दही की आ रही होती है तो यहाँ पे इनकी बुनाई लाजमी है तो इसके बाद इसके अंदर अब हमने क्या करना है जी अदरक के बारीक कटे हुए स्लाइसिस ऐड करने हैं थोड़े से ऐसे आपने नींबू ऐड करने हैं ये भी एक लाजमी स्टेप है इसको एक चटखारा टेस्ट देने के लिए और थोड़ी सी इसके अंदर आपने बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करके दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हरी मिर्च का अदरक का और लीमू का जो फ्लेवर है वो कीमे को मिल जाए तो बड़ा चटपटा सा आपका तवा कीमा तैयार होगा ये यह देखें यहाँ पर हमारा जो तवा कीमा है वो रेडी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है तो ये थी जी आज की हमारी तवा कीमा की रेसिपी आप इसको बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि शहरी से पहले जो है वो टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है और अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप इसको किसी पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं सेम रेसिपी के साथ बहुत टेस्टी बनेगा अब चलते हैं हमारी डो की तरफ और पूड़ियाँ तैयार करते हैं तो अभी देखें डो को जो है वो रेस्ट मिल गई है और काफ़ी नरम डो हमारी तैयार हुई है इस तरह रेस्ट देने से क्या होता है कि डो जो है वो स्टेबल हो जाती है फिर इसके जो भी आप चीज़ बना रहे हो चाहे पराठे हो चाहे कोई भी चीज़ हो पूड़ी वगैरह तो वो काफ़ी अच्छी बनती है तो अभी हमने इसके पेड़े करने हैं पेड़ा करना आप जिस साइज़ का रखना चाहते हैं रख लें कोई इसका फिक्स साइज नहीं है छोटा बड़ा जो भी आपको सही लगे फिर आपने क्या करना है इसको ऐसे हाथों के साथ फैलाना है ठीक है इजीली ये हाथों के साथ फैलता जाएगा इजीली बड़ा हो जाएगा मैदा जो होता है उसको अगर रेस्ट ना मिले तो वो जो है वो लचीला होता है और वो दोबारा श्रिंग होने लग जाता है तो इस तरह फैलाने के बाद आपने इसके अंदर ऐसे सुराख करने हैं इसका मकसद ये होगा कि जब इसको हम लोग पकाएंगे तो ये ऐसे फूल नहीं जाएगा ठीक है ना पराठे की शेप में रहेगा पूड़ी की शेप में नहीं आएगा तो यहाँ पे अब इसको उठाएंगे और तेल जो है वो आपने गर्म कर लेना है गर्म तेल के अंदर आप डालेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और क्रिस्पी सा बनेगा ठीक है अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो ये थोड़ा सा सख्त रह जाएगा तो इस तरीके से आप तेल में डालें और इसको यहाँ पे ऐसे ही कोई डेढ़ दो मिनट लगेगा और बड़ा बेहतरीन सा आपका पूड़ी पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा एक साइड पे कलर जल्दी आएगा जो नीचे होगी तो आपने साइड चेंज कर लेनी है और फिर आपने इसको आधे मिनट के लिए पकाना है और जैसे ही कलर आ जाए इसको आपने बाहर निकालना है ये देखें क्या जबरदस्त पूड़ी पराठा जो है हमारा तैयार हो गया आप इसकी लुक चेक करें बहुत ही ज्यादा ये क्रिस्पी है और ये लचकदार मतलब होगा लेकिन सॉफ्ट होगा ठीक है ऐसे रबड़ की तरह नहीं होगा सख्त नहीं होगा तो यहाँ पे हमारी जो डिश है आज की हमारी शहरी जो है वो तैयार हो गई देखें क्या जबरदस्त अब इसको तोड़ के दिखाता हूँ ये देखें बहुत आसानी से टूट जाएगा और ठंडा होने के बाद भी ये सख्त नहीं होगा यहाँ पे मेरी जो पूड़ी पराठे हैं वो ठंडे हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो है वो सॉफ्ट है और क्रिस्पी है तो इस तरीके से साथ आप कीमा सर्व करें और अपनी सहरी को इंजॉय करें तो ये थी जी आज की हमारी शहरी स्पेशल तवा कीमा और पूरी पराठे की रेसिपी यकीन आपको रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि काफ़ी यूनिक और टेस्टी रेसिपी है देख के दिल करता है खाने का तो पूरी देखा कितनी हमारी ज़बरदस्त बनी है काफ़ी क्रिस्पी है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है आप सेम रेसिपी को फॉलो करें इंशाल्लाह काफ़ी पसंद आएगी आपको और कभी कभार अगर दिल करता है शहरी के अंदर कुछ डिफरेंट खाने का तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें ऐसी और भी डिफरेंट रेसिपीज़ आके बहुत सारी आएंगी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चली वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसको बना के शहरी के अंदर मजे ले सके अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़